हर सुख का उभरता हुआ सूरज हमें रोशनी और जिंदगी का पैगाम देता है और बताता है कि जिंदगी कितनी कीमती है और ट्रैफिक के उसूल हमारी रहनुमाई करते हैं कि हम किस तरह इस कीमती जिंदगी को हादसात से महफूज कर सकते हैं। मेरी सुबह की इब्तिदा भी स्कूल की तैयारी और फिर रवानगी से होती है। मेरे कुछ साथी इस तरह पैदल स्कूल आते जाते हैं, शायद इसलिए कि उनका स्कूल घर से नजदीक होता है और कहीं बच्चों के वालदैन उन्हें स्कूल पहुंचाने आते हैं। ये लोग माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, ये अपना ख्याल और अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, इसलिए ये बस में स्कूल पहुंचते हैं। ये बच्चे इस तरह कार में स्कूल जाते हैं और कहीं बच्चे इस तरह विक्टोरिया में स्कूल की तरफ सफर करते हैं, कहीं सुजुकी वैन में और कहीं टांगे में। इस तरह सड़क पर चलने और स्कूल जाने के तरीके गो जुदा जुदा हैं, मगर इन सब में एक बात मुश्तरक है कि इन्हें खैर आफियत से स्कूल जाना और वहाँ से वापस आना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि बच्चे सड़क पर चलने के ट्रैफिक के असूलों को जाने, समझें और उन पर अमल करें। तो साथियों, ये दिलचस्प और मालूमती प्रोग्राम आप सबके लिए ही पेश किया जा रहा है। मुझे अली कहते हैं, मेरा नाम बुशरा है और हम प्रोग्राम ट्रैफिक के उसूल लेकर हाजिर हुए हैं। आप दिल में सोचेंगे कि इन ट्रैफिक के उसूलों का क्या फायदा है। मैं भी यही सोच रही हूँ। ये तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, इन्होंने यकीनन ट्रैफिक के उसूलों के खिलाफ वर्जी की होगी, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इन ट्रैफिक उसूलों को जाने और इन पर अमल करें। हम इस प्रोग्राम में आपको सड़क पर चलना, सड़क पार करना और दीगर ट्रैफिक के उसूल बताएंगे ताकि आप सड़क पर अपने आप को हादसात से बचा सकें। मालूम है हादसात से बचने का पहला उसूल क्या है? मैं बताती हूँ। पहला उसूल ये है कि आप अपनी आंखें और कान खुले रखें, ख्वाब आप फुटपाथ पर चल रहे हों, सड़क पार कर रहे हों, सफर कर रहे हों, साइकिल चला रहे हों। साइकिलिंग के लिए जरूरी है कि इंतहाई एहतियात से महफूज रास्तों पर साइकिल चलाएं, जहां ट्रैफिक के हादसों का कोई खतरा ना हो। और हाँ, सड़क पर किसी भी जगह को महफूज ना समझिए, हत्ता के फुटपाथ को भी। बेशक यहाँ ट्रैफिक नहीं, मगर पैदल चलने वालों को हमेशा फुटपाथ पर ही चलना चाहिए, लेकिन यहाँ भी दुश्वारियाँ हैं, मसलन ना हमवार सतह, दरख्त और दीगर रुकावटें, और सबसे बड़ा खतरा ये खुले मेन होले। वो छोटे सड़क को बेशक ध्यान नाल और आंखें खोल कर पार करनी चाहिए, समझ गया? समझ गया मालिक। और पैदल जब भी चलना चाहिए फुटपाथ पर चलना चाहिए, समझ गया? जैसे अब चल रहे हैं मालिक, बिल्कुल, देखो कितने आराम से चल रहे हैं हम। चोट तो नहीं आई? नहीं, चोट तो कोई नहीं आई, बस कमर फ्रैक्चर हो गई है। कमर फ्रैक्चर हो गई? आपकी नहीं, आपकी। खुदा खुदा गारत करे मैन होलों को। नहीं, खुदा गारत करे मैन होल के ढक्कन चुराने वालों को। देखा आपने, अगर आप लोग भी देखकर नहीं चलेंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा जैसे अंकल खालिद सलीम के साथ हुआ। लेकिन बुशरा, एक बात समझ में नहीं आती, अगर फुटपाथ इतने जरूरी हैं, तो सड़कों पर सब जगह फुटपाथ क्यों नहीं बनाए जाते? क्योंकि अक्सर मुकामात पर फुटपाथ ना होने की वजह से बच्चों को सड़क पर चलना पड़ता है और जाहिर है सड़क एक खतरनाक जगह है। मगर मेरे भाई अली, आपने शायद बच्चों के हाईवे कोड को सही से नहीं पढ़ा। इसमें लिखा है जहाँ फुटपाथ ना हो वहाँ सड़क के दाएं तरफ चलना चाहिए। अब आप इन बच्चों को देखिए। अंकल, आप गलत सिंक में चल रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? इस तरह आपको आने वाली गाड़ियाँ नजर नहीं आएगी। तो फिर क्या करें? अंकल, आप सड़क के दाएं तरफ से चलें ताकि आपको सामने से आने वाली गाड़ियाँ नजर आ सके। वेरी गुड, हो छोटे लेकिन बात बड़ी कर रहे हो। बेटा, ये बातें आप दूसरे बच्चों को भी बताएं। हाँ अंकल, जरूर बताएंगे। बुशरा, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई, मगर आप एक बात भूल गई।
कौन सी बात? वो ये कि बाज सड़कें यकतरफा होती हैं और इन पर फुटपाथ भी नहीं होते। ऐसी जगह चलने का उसूल ये है कि आपको अगर ट्रैफिक की सिम्त में चलना पड़ रहा है तो ट्रैफिक को पीछे मुड़ मुड़ कर देखते रहे। एक और खास बात मगर उन बच्चों के लिए जो बड़े शहरों में रहते हैं, अगर आपको सड़क उबूर करनी है और करीब में ओवरहेड ब्रिज मौजूद है तो पहले इस ओवरहेड ब्रिज की वजाहत तो करें। जी हाँ, ये ऐसा पुल है जो सड़क के ऊपर सड़क पार करने के लिए बनाया जाता है। तो बच्चों को क्या, बड़ों को भी इस बालाई पुल पर से सड़क उबूर करनी चाहिए। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस तरह सड़क पार करना बिल्कुल महफूज है क्योंकि इस सूरत में आपको सड़क पर चलना ही नहीं पड़ता। आइंदा आप सड़क एहतियात से पार करेंगे और सड़क पार करने के उसूलों पर अमल करेंगे। और हाँ, ये भी याद रखिए, सड़कें गाड़ियों की दौड़ के लिए हैं, खेलने के लिए नहीं। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, सड़क पर खेलना तो वाकई खतरनाक है। ये भी याद रखिए कि रात में सया लिबास या कोई भी गहरे रंग का लिबास पहनकर सड़क पर नहीं चलना चाहिए। बुशरा, बच्चों को बताइए कि एक सया रंग के लिबास का क्या नुकसान है। जी हाँ दोस्तों, रात में सया रंग का लिबास पहनने से आने वाली गाड़ी का ड्राइवर आपको आसानी से नहीं देख सकता। इन बच्चों को देखिए, इनमें वो बच्चे वाजे नजर आ रहे हैं जिन्होंने सफेद या हल्के रंग के लिबास पहने हुए हैं। बुशरा, आप भूल गईं, ये हमारे मेहमान हैं, इनका नाम है रोड सेफ्टी तोता, क्योंकि ये बच्चों को रोड सेफ्टी के उसूल सिखाते हैं। आइए आइए रोड सेफ्टी तोता साहब, तशरीफ लाइए। अच्छा, तो आप हैं रोड सेफ्टी तोता। बुशरा, शायद आपको ये मालूम नहीं, ये बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और हमारे प्रोग्राम में भी बच्चों को ट्रैफिक के उसूल सिखाने में हमारी मदद करेंगे। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपने बच्चों के लिए ये प्रोग्राम किया है और बच्चों को बुलाया ही नहीं। दरअसल हम ये प्रोग्राम बच्चों को स्कूलों में दिखाएंगे और इस वक्त भी बच्चे हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। वो किस लिए? इसलिए कि आप लोग काम की बातें लिखते रहे, बल्कि मेरा तयक्कुल अगर खराब हो तो उसे भी सही करके लिख ले। अंकल शुरू करें, हम तैयार हैं। अच्छा बच्चे सुनो, सबसे आम बात ये है कि बच्चों के सबसे ज्यादा हादसा सड़क पार करते हुए होते हैं।
क्या वाकई? और क्या, हर साल 26% बच्चे हादसे का शिकार होते हैं और उनमें से 75% बच्चे उस वक्त हादसे का शिकार होते हैं जब वो सड़क पार कर रहे होते हैं। इसका मतलब है जो बच्चे सड़क के इस तरफ हों उन्हें दूसरी तरफ जाना ही नहीं चाहिए। जरूर जाना चाहिए, लेकिन तोतों को मेरा मतलब है बच्चों को सड़क पार करते हुए बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। छोटे बच्चे हर दिन किसी बड़े की मदद के बगैर सड़क पार ना करें और हमेशा सड़क पार करते हुए आप अपने वालदेन या किसी बड़े की उंगली पकड़ कर चले। हाँ अंकल, याद आया, आप कुछ हमें ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में भी बताइए। ये शायद वो जगह होती है जहाँ से ज़ेब्रा सड़क पार कर सकते हैं। बुशरा, खुदा के लिए मजाक मत करो। ज़ेब्रा क्रॉसिंग बड़ी खतरनाक जगह है। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो होती ही सड़क पार करने के लिए है। मुझे पता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर किसी को सड़क पार करता देखकर ड्राइवरों को रुक जाना चाहिए, मगर हमारे यहाँ ऐसा कहा होता है। अंकल अब आप हम बच्चों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग का सही मतलब बताएं। अंकल तोता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सड़क पार करने के उसूल समझने के लिए आइए ट्रैफिक सेफ्टी की क्लास में चलते हैं। हाँ तो बच्चों, हम आपको रोड सेफ्टी क्लास में खुशामदीद कहते हैं। सड़क पार करने से पहले हमेशा रुकिए, आने वाली गाड़ियों को देखिए और उनकी आवाज सुनिए। निदा, सुन रही हैं आप? यस मिस। और हाँ, जल्दबाजी हरगिज मत कीजिए। सड़क बिल्कुल ही खाली क्यों ना हो, रुकना जरूर चाहिए। मिस, खाली सड़क पर रुकने की भला क्या जरूरत है? इसलिए कि रुकने से आपको सड़क का अच्छी तरह से जायजा लेने का मौका मिलता है। मिस, बच्चों के हाईवे कोड में सड़क पार करने के जो उसूल बयान किए गए हैं उनके बारे में हमें कुछ बताइए। मैं वही बता रही हूँ, बल्कि आपको समझा रही हूँ जो मैंने अभी आपको बताया कि सड़क पार करने से कबल एक महफूज जगह देखिए और रुक जाइए। और दूसरा उसूल ये है कि अगर फुटपाथ करीब हो तो उसके किनारे खड़े हो जाइए। और तीसरा उसूल ये है कि पहले दाएं जानेब देखिए और फिर बाएं जानेब देखिए और आने वाली गाड़ियों की आवाज सुनिए। मिस, आवाज सुनने से क्या मुराद है? आवाज सुनने से मुराद ये है कि अक्सर गाड़ियाँ उन हिस्सों से आती हैं जो आपको नजर नहीं आ रहे, लिहाजा जो गाड़ी नजर ना आ रही हो किसी रुकावट की वजह से उसका पता उसकी आवाज से चलता है। अक्सर हादसा इसी वजह से होते हैं कि हम सड़क पर होशमंदी से नहीं चलते और आने वाली गाड़ियों की आवाजों पर तवज्जो नहीं देते। मिस, आप बताइए चौथा उसूल क्या है? अगर गाड़ियां नजर आ रही हों तो उन्हें गुजर जाने दीजिए। पांचवा उसूल ये है कि अगर आने वाली गाड़ी करीब ना हो तो सड़क हमेशा सीधी पार कीजिए। छठा उसूल ये है कि जब आप सड़क पार कर रहे हों तो आने वाली गाड़ियों पर नजर रखिए और उनकी आवाज सुनिए। तो ये हुए सड़क पार करने के 6 रहनुमा उसूल। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको ट्रैफिक के ये उसूल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और आप हमसे वादा कीजिए कि आप हमेशा इन उसूलों पर अमल करेंगे। और अब आखिर में हमारी इन साथियों को सुनिए, ये आपको ट्रैफिक सिग्नल यानी लाल, पीली और हरी बत्तियों के बारे में बताएंगी। आइए सुनते हैं।